वेल वेल वेल, एक ऐसा शेयर जिसकी मेरे कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है, सर सुजलोन एनर्जी पे वीडियो बनाइए। गाइस मैं इसकी डिटेलिंग पे नहीं जाऊंगा बिल्कुल भी, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बोर नहीं करूंगा कि कंपनी क्या करती है। सबको पता है कंपनी क्या करती है, मैं उसके बारे में बिल्कुल जानने वाला हूँ। ग्रीन एनर्जी की कंपनी है, टर्बाइन बनाती है, विंड टर्बाइन बनाती है, विंड एनर्जी में काम करती है, बहुत अच्छा मार्केट शेयर है, सभी चीज़ें। तुलसी तांतियान ने इस कंपनी को स्टार्ट किया था, बहुत लॉस में चली गई, जर्मनी कंपनी को टेक ओवर किया था, राइट्स नहीं मिले, लॉस में चली गई। बहुत सारे वीडियो भरे, ज्ञान से भरे वीडियोज बहुत ज़्यादा है, मैं यहाँ ज्ञान नहीं देने वाला हूँ। अब यू नो सुजलोन एनर्जी, बट अगर आपकी पोजीशन फंसी हुई है और अगर आप चाहते हैं पोजीशन बनाना, फ्रेश पोजीशन बनाना, तो क्या ये शेयर आपके लिए हो सकता है? पर उससे पहले मैं आपको बताऊं, ये मेरा बिल्कुल भी आपको बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। सबसे ज्यादा कमेंट, सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट इस शेयर के लिए की गई थी, तो इसके ऊपर मैं आपके लिए वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो क्या एक पोटेंशियल टर्नअराउंड हो सकता है? क्या ये शेयर एक मल्टीबैगर हो सकता है? क्या ये वो शेयर हो सकता है जो हमको करोड़पति लखपति बना सकता है? गाइस देखिए, आपको ऐसे शेयर्स के अंदर में अपनी जो इन्वेस्टमेंट है, जितनी भी इन्वेस्टमेंट आपके साथ है, कैपिटल है आपके पास में, उसका 5 से 10% एक रिस्क रिवार्ड रेशो के हाई रिस्क की स्टॉक्स में भी आप डाल सकते हैं। क्योंकि अगर आप हाई रिस्क की स्टॉक्स में नहीं डालेंगे तो स्टॉक मार्केट में आने का मजा नहीं है। आप बैंक निफ्टी के ऑप्शंस करते हैं तो वहां तो इतना बड़ा रिस्क लेते हैं कुछ कहने के लिए, तो ऐसे स्टॉक्स में क्यों पैसा डाल नहीं सकते? बैंक निफ्टी की ऑप्शंस अगर आपकी एक भी आपके अगेंस्ट चली जाती है तो पैसा जीरो हो जाता है। निफ्टी की ऑप्शंस आपके अगेंस्ट चली जाती है, जीरो हो जाता है पैसा। तो अगर पैसा जीरो करने का रिस्क रखते हैं तो ये स्टॉक वहां पे मच बेटर है, ये स्टॉक जीरो नहीं होंगे। अगर स्टॉक जीरो होने होते तो हो गए होते। इस बजट के अंदर में हमने बात की कि हम ग्रीन एनर्जी पर फोकस करने वाले हैं, लोकल मैन्युफैक्चरर्स को पीएलआई स्कीम्स के अंदर में गवर्नमेंट ने रखा है, तो यहाँ पे ये एक बड़ा नाम निकल के आता है जो इस मार्केट का पुराना खिलाड़ी है। तुलसी तांतियान का बैकग्राउंड अच्छा है, एग्रेसिव है, एनर्जी सेक्टर को उन्होंने आज तक छोड़ा नहीं है, कोई बात नहीं। कंपनी के ऊपर कर्ज है, समझ में आता है। कंपनी के पास कुछ कैश इक्विवेलेंट भी है, ये भी इंटरेस्टिंग बात है। कंपनी के पास 235 करोड़ के कैश इक्विवेलेंट है, कंपनी के पास 13,000 करोड़ के आसपास का कर्जा है। एक टाइम पे कई कर्जा कुछ 22,000 करोड़ से भी ज्यादा का था, कंपनी इस कर्जे को कम कर रही है। सोचिए तो कंपनी काम तो कर रही है, सेल्स पे नजर डालते हैं, क्या कंपनी धंधा कर रही है? कंपनी धंधा कर रही है, सेल्स कर रही है, तो कंपनी में जान बाकी है। सोच के देखिए, इतने बड़े सेगमेंट के अंदर में अगर ये कंपनी अभी भी बची हुई है, बिजनेस कर रही है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। 2019 में जहाँ 1445 करोड़ की सेल्स कंपनी करती थी, वहीं दिसंबर 2021 में कंपनी ने 1600 करोड़ की सेल्स की। अगर देखेंगे तो कंपनी ने अभी तक की हाईएस्ट सेल की है, देखिए अभी तक की हाईएस्ट सेल कंपनी की है। कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 286 करोड़ के है, अभी तक के 2 साल में 3 साल में सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ा है, 18% के आसपास में है, ये भी अभी तक का हाईएस्ट है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात की, कंपनी जो लॉसेस में थी तो कंपनी ने यहाँ पे 42 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट भी किए। तो कंपनी का टर्नअराउंड हो रहा है, कंपनी काम कर रही है। जिसके हाथ में सेल्स होती है, आप सोच लीजिए, प्रॉफिट तो बाय प्रोडक्ट है, प्रॉफिट तो आना ही आना है, सेल्स तो हो, धंधा है, मंदा है, चलेगा, पर कम से कम धंधा है, स्टेग्नेंट है, कॉन्स्टेंट है, बढ़ रहा है, तो दिस इज अ वेरी वेरी गुड साइन। चलिए देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन इसमें इंटरेस्ट ले रहा है, क्या FIIs का या किसी बड़े निवेशक को इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो एक देखने वाली बात है। बहुत ही इंटरेस्टिंगली हम इसको देख सकते हैं गाइस। जो हमारे प्रमोटर्स है, प्रमोटर्स के आसपास तो 16 करोड़ के आसपास की इक्विटी है, प्रमोटर अपना माल बेच रहे हैं, बट ले कौन रहा है? FIIs 3% से बढ़ाते 4.85% के आसपास आ गए हैं। इंस्टीट्यूशंस भी बेच रहे हैं, पब्लिक खरीद रही है, तो थोड़ा सा यहाँ पे डाउट रहेगा, बट FIIs का इंटरेस्ट आना मेरे लिए एक अच्छा साइन हो जाता है। चाहे थोड़ा सा इंटरेस्ट जगह हो, कहीं ना कहीं ये सेक्टर जिसको हम ग्रीन एनर्जी सेक्टर कहते हैं, जिसमें अपना जो सुजलोन एनर्जी एक अच्छा प्लेयर हो सकता है, तो मेरे हिसाब से हमें इसमें सोचने में, दिमाग लगाने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। इसके चार्ट को देखते हैं, चार्ट कैसा दिखाई दे रहा है। चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं सुजलोन एनर्जी। यस बैंक के बाद मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम सुजलोन की वीडियो बनाने वाले हैं, चलिए सुजलोन एनर्जी के चार्ट पे हम आ चुके हैं। ये कंपनी अगर देखने की कोशिश करें तो एक टाइम पे अभी बस कोविड के आसपास में ये कंपनी ₹2 पे ट्रेड कर रही थी, ₹2 पे। ₹2 से कंपनी ने हायर हाई हायर लो के पैटर्न को फॉलो किया हुआ है और कंपनी लगातार हायर हाई हायर लो डेली चार्ट पे बना रही है, तो एक अप ट्रेंड में कंपनी दिखाई दे रही है, आप समझ लीजिए। तो यहाँ कंपनी को अगर सोचने की कोशिश करें तो कंपनी एक अपट्रेंड में है, ₹2 से तो कंपनी ₹13 हो गई, तो मोटा मोटा 6 गुना की रिटर्न तो कंपनी दे ही दी, 6 टाइम्स को आपका पैसा कर ही दिया है। अब यहाँ पे जो सपोर्ट बन जाता है वो कंपनी का सपोर्ट बन जाता है ₹8 का, तो मेरे हिसाब से कंपनी ₹8 से नीचे नहीं जानी चाहिए। जब तक ₹8 से ऊपर है आप इसे पोजीशंस बना सकते हैं, मैं बना सकता हूं, और यहां पे इसका जो ब्रेकआउट आएगा वो कहीं ना कहीं ₹12 के आसपास आएगा, और यहां पे अभी फिलहाल ₹9.80 के आसपास है, बट इंटरेस्टिंग है। ₹12 के ऊपर में इसमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलेगी,
और यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा 8 रुपया। तो जो लोग एक्युमुलेट करने की सोच रहे हैं, सोच रहे हैं कि पोजीशंस बनानी चाहिए, वो कैपिटल जो आप ऑप्शंस में बर्बाद करने वाले हैं बिना सोच समझे ट्रेड करके, वो 5 से 10% कैपिटल आपके आप इसमें सुजलोन में डाल सकते हैं। तो क्योंकि अगर एक भी टर्न अराउंड हुआ एक स्टॉक, तो आपके वारे नारे हो सकते हैं। ऐसे ही स्टॉक्स आपको करोड़पति बनाते हैं, ऐसे ही स्टॉक्स आपको रोडपति बनाते हैं। बट अब रोडपति ना हो, इस कंपनी ने जीरो होना होता तो कब की जीरो हो गई होती, आप सोच के देखिए। अभी इसमें जान बाकी है, काम कर रहे हैं, टर्नआउट होना है, सेगमेंट के अंदर डिमांड्स आ रही हैं, माहौल बदल रहा है, ग्रीन एनर्जी की तरफ हम जा रहे हैं, विंड एनर्जी भी फोकस में है, सब चीज़ें फोकस के अंदर में हैं। तो ये कंपनी एक अच्छी कंपनी साबित हो सकती है अगर इसके फाइनेंसिस सुधरते रहते हैं, इसके सेल्स सुधरती रहती हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी मेंटेन रखती है। तो एक टाइम ऐसा भी आ सकता है कोई इनको एक ऐसा इन्वेस्टर मिल जाए कि इनकी डेट खत्म हो जाए, क्योंकि ESG पैरामीटर के ऊपर ही कंपनी काम करती है और ESG पैरामीटर के ऊपर में आने वाले टाइम में बाहर से बहुत सारी फंडिंग अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर यहाँ पे कहीं फंडिंग मिली तो कोई बड़ा प्लेयर अगर इसको फंड कर दे तो क्या बड़ी बात है, रातों रात भी डेट खत्म हो सकते हैं, कोई भी बड़ी बात नहीं। अगर आपको याद हो कोविड के टाइम पे रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने 1,60,000 करोड़ के डेट खत्म किए थे, आपको याद होना चाहिए। तो बड़ी कंपनी को डेट मिल से डेट रिमूव करने के लिए पैसा मिल सकता है, स्टेक बिक सकते हैं, तो ऐसी कंपनीज को भी मिल सकता है जो स्पेशली ESG नॉर्म्स के ऊपर में कंपनी काम कर रही हो। तो दिस कुड बी अ पोटेंशियल टर्न अराउंड, बाकी आपकी मर्जी, आपकी अपनी स्टडी है। ये बिल्कुल भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं थी दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके ही आगे बढ़ना, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक करके आगे बढ़ना, बट कम से कम एक फीडबैक देकर बढ़ना। फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आप खाना बनाते घर में, जब तक उनको बताते नहीं कि आज मजा आया, खाना बहुत स्वाद था, तब तक उनको मजा नहीं आता, उनको खुशी नहीं मिलती है। तो अगर वो खुशी आप देना चाहते हैं मेरी मेहनत के बदले मुझे, तो एक लाइक प्रेस करके ही आगे बढ़े और दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत सारे निवेशक सुजलोन में फंसे हुए हैं या नई पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहिए, जय हिंद।